हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एंड बर्ड्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि आपके घर में जो पपीते के पेड़ होंगे, वो चाहे जो पेड़ लगे हुए हैं, उन पर फल बहुत कम आते होंगे या फूल आते हैं और झड़ जाते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। मेरे साथ वीडियो बने रहिएगा, मैं आपको बिल्कुल एक आसान सा तरीका बताऊँगा जिसके द्वारा आप अपने पपीते के पेड़ में बहुत सारे फल पा सकते हैं। तो मेरे साथ वीडियो पर बने रहिएगा। फ्रेंड्स, मेरे गार्डन पे या मेरे बाड़ी पे आप देख रहे हैं, दो या चार पपीते के पेड़ हैं और सभी पपीतों के पेड़ में जो है पौधे पर आप बोल सकते हैं पपीते आ चुके हैं। इसमें किसी में पपीते नहीं थे, कुछ इसमें मेल थे, कुछ फीमेल थे। ठीक है, आप बोल रहे हैं फीमेल जो फ्लावर होते हैं, ये आप पेड़ देख रहे हैं, ये करीबन 3 महीना पुराना है। इसमें पूरा फल से लद गया है ये। ठीक है, ये पहले मेल पेड़ था। ठीक है, तो इस पर बिल्कुल भी फूल फूल आते थे, फल नहीं आते थे। तो मैंने इसको क्या उपाय किया, आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा, है ना। आप जितने मेल हैं पौधे, जो मेल पपीते के पेड़ हैं, उसको आप फीमेल बना सकते हैं। फीमेल पौधे जो हैं उन्हीं में ही फल आते हैं, मेल में नहीं आते हैं। तो चले फ्रेंड्स, अपन अभी देख लेते हैं मेरे प्यारे प्यारे बजीज को, है ना। ये भी अभी बाहर रखे हुए हैं और जैसे ही कैमरा को देख रहे हैं, ये बिल्कुल सामने आके हाय बोल रहे हैं आपको। फ्रेंड्स, मैंने जो अपने गार्डन पे ये केले का पौधा लगाया था बॉन्साई का, वो बिल्कुल बड़ा हो रहा है। और जो मनी प्लांट मैंने लगाया था, होममेड कोको एयर स्टिक बनाना सिखाया था, आप वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, इसमें मनी प्लांट भी ग्रो हो रहा है। चलिए अपन बात कर लेते हैं अब अपने पपीते के जो पौधे हैं उस पर फूल जो हैं वो आते हैं और झड़ जाते हैं, फल जो आते हैं वो बड़े नहीं होते, इसके क्या कारण है? इसके दो या तीन ही कारण है यार। मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि मेल और फीमेल फ्लावर किसे बोलते हैं। ये जिसमें फल आते हैं उसको बोलते हैं आपको फीमेल पौधा, ठीक है, फीमेल पपीते का पेड़। और जिसमें बिल्कुल भी फल नहीं आते, फूल ही फूल आते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। ये दूसरे के घर में, किन्हीं के घर में ये लगा हुआ है पपीते का पेड़, आगे दिखा रहा हूँ, कैमरा भी दिखेगा। इन पे फूल ही फूल आएंगे, मतलब ये हैं मेल फ्लावर, इस पे फल कभी नहीं आएंगे। तो फल नहीं आने के दो कारण हैं, या फल जो आते हैं फूल आते हैं झड़ जाते हैं, दो कारण है। पहला है फंगस लग जाना, जो मेन कारण है फंगस लगता है। ठीक है, आपके जो पौधे पर फंगस का प्रभाव पड़ जाएगा, आपके पत्ते जो है वो मुड़ने लगेंगे, आपको ये चेक करना है। ठीक है, इसका एक ही उपाय है कि आप फंगीसाइड मार्केट से खरीद के लाइए और उस पर आप छिड़क दीजिए। फंगीसाइड मार्केट पर आसानी से मिल जाएगा, उसका छिड़काव कर दीजिए। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि अगर फूल आ रहे हैं और फल में कन्वर्ट नहीं होना है तो आपको करना क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आपको करना क्या है। आप अपने जो पपीते का पेड़ है उसके नीचे पे, है ना, 2 इंच या 3 इंच आप छोड़ के, ठीक है, आप अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए। उसके जो फाइबर रूट्स है वो दिखने चाहिए। देखिए, आप फाइबर रूट्स दिख रहे हैं, मैं अच्छे से गुड़ाई कर रहा हूँ चारों तरफ, एक सर्कल पे आप अच्छे से गुड़ाई कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये गुड़ाई करके हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इसमें जड़ पे अगर डाल देंगे, जो मैं डालने वाला हूँ खाद या जो भी आपको कंपोस्ट डालने वाला हूँ, अगर डायरेक्ट जड़ पे डाल देंगे तो अगर वो कंपोस्ट सड़ गई तो आपके डायरेक्ट पौधे को खत्म कर देगी या पेड़ को खत्म कर देगी। इसलिए हम थोड़े दूर पे करते हैं ताकि फाइबर रूट्स, वो जो कंपोस्ट है या जो खाद आपको दिखाने वाला हूँ मैं, ये है वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है, वर्मी कंपोस्ट सबके पास होगा, गार्डन में जो गार्डनिंग करते हैं उनके पास वर्मी कंपोस्ट। अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद आसानी से यूज कर सकते हैं। गोबर की खाद जो वो 3 साल पुरानी होनी चाहिए, 3 साल से ज्यादा होगी तो भी चलेगी, बट 3 साल से पुरानी होनी चाहिए। ये जो वर्मी कंपोस्ट मैं डालूंगा, इसे मैं 2 इंच या 3 इंच जगह छोड़ के जो मैंने सर्कल बनाया है उस पर डालूंगा ताकि इनके फाइबर रूट्स को डायरेक्टली ये मिल जाए। इसको मैं सर्कल पर डालकर उसी की मिट्टी से इसे ढक दूंगा। ये फ्रेंड्स आप जो देख रहे हैं, ये जैविक खाद है, ये आपको मार्केट पे जाएंगे बिल्कुल ऑर्गेनिक है। आप किसी भी गार्डनिंग वाले स्टोर पे जाएंगे तो आपको, कृषि वाले स्टोर पे जाएंगे तो आपको ये आसानी से जैविक खाद बोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। 20 रुपये में आपको आधा किलो मिलेगा। आप बहुत आसानी से आप इसको मिक्स कर दीजिए गोबर की खाद के साथ और इसे आप सर्कल पे पूरी तरीके से डाल दीजिए और इसी मिट्टी से इसे आप ढक दीजिए। इनके जो पपीते के पेड़ के फाइबर रूट्स हैं वो इसको आसानी से बिल्कुल एब्जॉर्ब करने लगेंगे और आपके जो फल हैं या जो फूल आ रहे हैं वो झड़ेंगे नहीं, वो फूल जो है फल में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो फल आ रहे हैं वो बड़े होने लग जाएंगे और बड़े बड़े फल लग जाएंगे, छोटे पौधे में भी फल आने शुरू हो जाएंगे। हम पपीते का पौधा लगा देते हैं बट उसमें कोई इसकी कोई सेवा नहीं करते, आपको थोड़ा सेवा करना पड़ेगा। ऐसा आप करते हैं तो आप देखेंगे आपके जो पपीते के पेड़ हैं सभी में फल आने लग जाएंगे और फल में कन्वर्ट होकर आपको बहुत सारे फ्रूट्स देने लगेंगे। देखिए, मैंने इसे डाल दिया सर्कल पे और इसे अब इसी मिट्टी पे मैं इसे ढक दे रहा हूँ। ये देखिए फाइबर रूट्स इसे बोल रहे हैं। जो पौधे की फाइबर रूट्स होती है वो भोजन को या खाने को या न्यूट्रिएंट्स को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करती हैं और पेड़ तक या फलों तक, फ्रूट्स तक पहुंचा देती हैं। तो चले फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो मेल पौधे हैं, पेड़ हैं, उनको हम फीमेल पेड़ में कैसे कन्वर्ट करें। तो चले फ्रेंड्स, मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा।